इतने रोड हैं अभी कूगा कबाट से पटे हुए हैं पटरियाँ वैसे ही धूल गर्द गर्ध रही है हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं फर्क हम लोग को पड़ता है भाई बड़े लोगों को तो फर्क नहीं पड़ने वाला चाहे उनको सौ रुपए पेट्रोल हो जाए चाहे दो सौ रुपए एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का दोनों को एग्जाम दे करके बैठे हैं अभी तक रिजल्ट नहीं आया वैसे चौदह दिन में आ जाते थे आज चार महीने से भी ज्यादा हो गए अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया सो वेलकम टू माई चैनल होप यू ऑल आर हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन तो अभी हम हैं बी एल डब्लू में पहले ये डी एल डब्ल्यू था डीजल लोकोमोटिव वर्क ना हाँ। अब क्या हो गया अब DLW हो गया बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप अच्छा तो मतलब पहले यहाँ पे मतलब डीजल के सबसे ज्यादा इंजन जो होते हैं वो यहाँ से बनते थे अभी भी मतलब डीजल इंजन बन रहे? बन रहे हैं हैं इलेक्ट्रिक बन रहे और लगभग हजार के आसपास बन के जा भी चुके हैं अच्छा मतलब ये सब डेवलपमेंट है हाँ। तो चलो ये तो वैसे मेरा भाई है और अभी इसके साथ आए हम और अभी देखते हैं कि यहाँ पे मतलब थोड़ा लोगों के विचार जानते क्योंकि यहाँ पे पूरा गवर्नमेंट इम्प्लॉयज रहते हैं ये पूरी सोसाइटी है गवर्नमेंट यहाँ पे सारे जितने भी गवर्नमेंट इम्प्लॉयज हैं वो सब यहाँ पे रहते हैं तो चलते एक बार उनके विचार जानते हैं क्या वो खुश हैं या फिर जो भी है चलो चल के देखते हैं नमस्ते अंकल खुश रहिए बेटा क्या नाम है आपका मेरा नाम आर डी यादव अच्छा तो अंकल इस समय बनारस में जो डेवलपमेंट हुआ है क्या आप उससे प्रसन्न हैं डेवलपमेंट क्या है? अब सांसदीय क्षेत्र हमारे जो है कि प्रधानमंत्री जी का है जी जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हुआ नहीं हुआ जैसे जितने रोड हैं अभी कूड़ा कबाड़ से पटे हुए हैं पटरियाँ वैसे ही धूल गर्द रही है और अब इनके जो है कि आपका शासन काल में थोड़ा सा जो आपका ये जो आपका प्रशासन है जैसे कि आपका गुंडागर्दी हुआ या बलात्कार हुआ ये सब थोड़ा कम हुए हैं जी और लेकिन बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसमें कैसे पढ़ाई लिखाई को लेकर अब कोरोना का रहस्य क्या है कहाँ से उठा कहाँ गया खैर उनके हिसाब से जो उनके समझ में आया प्रधानमंत्री जी के वो किए और लेकिन सबसे बड़ी मार बच्चों और आप जैसे नवयुवकों का हुआ है मतलब बेरोजगारी की बेरोजगारी की तो महामारी जबरदस्त हो गई है एजुकेशन और भर्तियाँ अधिक से अधिक निकले ताकि यूथ आगे आए पढ़ाई अच्छी हो लोग अधिक से अधिक बेरोजगार कम इसमें बेरोज़गार लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अभी आप देखें हैं सी, सी बी टी एग्जाम जो रेलवे एन टी पी सी वाला था सी बी टी तो दू कर दी इसमें पटना वटना में बहुत सारे बवाल हुए थे ये सब चीज़ों को देखते हुए एक दस दिन पहले नहीं पहले दिन बहुत सारे स्टूडेंट थे यूँ जो अपना प्रयागराज में प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत सारे पटना में कर रहे हैं तो उनको देखते हुए वैकेंसी हर साल निकाले ऐसे इन्होंने बोला था रेलवे में हर साल दो लाख वैकेंसी निकलेंगी इसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो हर साल निकलती थी मैं किसी संस्था या किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ लेकिन जो यूथ आजकल हाँ। चाहते हैं वो एक बार यूथ का जो मैसेज है वो आप बताना तो चाहते हैं कि क्या हाँ। चाहिए हाँ। क्या चाहिए देखिए इसमें एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ। एजुकेशन होगा तो सब चीजें जैसे इससे हाँ। भाई लोगों ने बोला कि मैं लड़ सकता हूँ ले सकता हूँ एजुकेशन जब रहेगा अच्छा तब तो आदमी नौकरी जॉब ऐसा कर पाएगा बिल्कुल ये बात तो आप एकदम सही बोलेंगे मतलब नौकरी ओकरी से मतलब आज का यूथ जो है वो नौकरी ओकरी से मतलब परेशान है थोड़ा कि आपको एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का दोनों को एग्जाम दे करके बैठे हैं अभी तक रिजल्ट नहीं आया वैसे चौदह दिन में आ जाते थे आज चार महीने से भी ज़्यादा हो गए अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया ना तो अभी जयम इन्स का डेट क्लियर हुआ है कब होगा एग्जाम अब तक चुनाव के चक्कर में ये सब कर नहीं रहे लेकिन सब मोस्ट तो पढ़ाई है एजुकेशन ही है, ही है। अभी तो है। आप यहाँ पे अंकल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं हम गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं यहाँ पे तो आपको किस चीज़ में दिक्कत होती है या फिर आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है हमको दिक्कत तो कुछ नहीं हम लोगों का थोड़ा प्रोडक्शन डाउन बहुत गया अच्छा काम नहीं मिला लेकिन कहीं न कहीं से खोज करके यहाँ से वहाँ से पूरे इंडियन रेलवे से निकाल निकाल के क्योंकि ये फैक्ट्री है हाँ। फैक्ट्री कभी घाटा नहीं देती है सरकार को बिल्कुल तो, तो क्या आप लोग को गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद इन सब चीजों में कुछ परेशानी हुई जितने साल बीजेपी शासन रहा नहीं परेशानी तो कोई खास नहीं अब जो परेशानी है वो सबके साथ है कोई व्यक्तिगत परेशानी किसी को तो है नहीं अच्छा अभी हमने ऐसा सुना था कि अभी डी में अभी हाल ही में कई मतलब प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट हुए थे काफ़ी क्यों रेलवे को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा था इसमें क्या विचार है आपका इसमें है कि भाई देखिए जो पहले से सुख सुविधाएं रेलवे की सरकारी नाम की जो चीज़ है वो हटने से थोड़ा सा मतलब कि बेरोज़गारी तो कुछ कम होगी ज़रूर से लेकिन तो जो आनंद नौकरी में है वो नहीं रह गया मतलब आप लोग पहले क्या करते थे कि पहले मतलब आनंद जो आप कह रहे हैं आनंद क्या मतलब क्या जो काम पे जाने का बहाना करके खूब काम मिले खूब हाँ। वर्क करें हम देखिए हम लोग आठ घंटे ड्यूटी के बाद में हम लोग को तीन घंटे की ओवर टाइम होती थी अच्छा और तीन घंटे को ओवर टाइम हम लोग लोट पोट के काम करते थे तो फिर भी काम खत्म नहीं होता था लेकिन पैसा उस समय कम था लेकिन आज है काम कम है लेकिन पैसा ज्यादा है फिर भी उनको और को देखना है खाली सरकारी कर्मचारियों को नहीं देखना है तो इसमें हम लोग भी है कि नवयुवक भी आए वो भी अपना काम करें उनका भी रोजगार चले और जो पहले से चल रहा है वो चले सरकारी चीज़ जो है वो एक तो कहा जाए जा जिसको क्या बोलते हैं आपकी वो सम्मानित चीज जो होती है वो चीज़ नहीं रह जाए नहीं रह जाए प्राइवेट होने के बाद प्राइवेट होने के बाद किस डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं भाई लोग मुझे नहीं पता लेकिन अभी डेवलपमेंट जो है आप जीडीपी देख ही रहे हैं नोटबंदी महंगाई देख ही रहे हैं बहुत सारे इशू हैं जो हम एक दिन में आप ख़त्म नहीं कर पाते और अभी एक दिन में आप चाहे कोई भी पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर महंगाई सरसों का तेल बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो हम आप दूसरों के बीच हमें आपको तो पता नहीं हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं फ़र्क हम लोग को पड़ता है भाई बड़े लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला चाहे उनको सौ रुपये पेट्रोल हो जाए चाहे दो सौ रुपये और ना तो कोई नेता को फ़र्क पड़ने वाला है क्योंकि जो लीडर होते हैं चाहे विधायक हो एम पी एम एल ए कोई भी हो उनको सारी चीज़ें फ्री में मिलते हैं उनको तो गवर्नमेंट देती है ऐसा कोई इशू नहीं हम लोग को तो जो रोज़मर्रा के मज़दूर हैं जो कमाते खाते हैं जैसे जिनकी दिहाड़ी मजदूरी हैं जिनकी चार सौ कमाते हैं वो तेल खरीदेगा कि आएगा जाएगा कैसे चलेगा ये सब चीज़ें को बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा ठीक है ये फ्री का अनाज और तेल बांटने से मतलब नहीं है सब लूट तो ले रहे हैं आपसे पूछा जाए एक शब्द में कि आप समर्थन किसको देना चाहेंगे कौन सी सरकार को समर्थन तो हम इस बार तो सोच रहे हैं कि अखिलेश जी भी आए अच्छा इस बार आपका समर्थन अखिलेश जी, जी के लिए है अच्छा तो आपको लगता है कि अखिलेश जी आके मतलब पुरानी पेंशन स्कीम चालू कर देंगे या फिर ऐसा कुछ ना ना वो वो चालू हो ना हो तो केंद्र की बात है हाँ। वो अखिलेश की बस का नहीं तो है मतलब आप स्कीम में फंस के नहीं कहना चाह रहे हैं आप ऐसे ही चाहते हैं अपने दिल से कि अखिलेश जी हमने उनका काम भी बोल रहा है ना क्योंकि देखो निदा को नेता है उसके ऊपर कोई तो किसी अखिलेश, प्रकार अखिलेश जी जब थे तो यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी थी गुंडा राज था माफिया राज था और वो जितने थे अपने बिरादरी वाले लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देते थे ये कहने के लिए है ऐसा कुछ था नहीं वो कहने के पेपर वर्क में ऐसा है अब पता नहीं हो सकता आपको ना पता हो ये चीज लेकिन ऐसा था तो मोदी जी के राज्य में ऐसा था कि मतलब उनके अपेक्षा तो इस को देखते हुए जो कि आपका भाजपा सिख है अच्छा प्रशासन के माने में और जो कि पुलिस आके सहूलियत से बात करती है अक्सर समझौता कर लेती है आगे किसी गुजार नहीं देती है एक परिवार समझ करके बाकी देखिए जो मतलब जो है कि प्रशासन जो है कि पुलिस प्रशासन के मुद्दे नजर देखते हुए अच्छा है जी जी तो आपके हिसाब से बताइए आप सबके हिसाब से कौन सी सरकार लायक है मेरे हिसाब से वही सरकार चाहिए जो हेल्थ एजुकेशन और ढेर सारी जो बेरोजगारी खत्म कर सके उस गवर्नमेंट को लाना है उसी नाम, का। नाम नाम बताइए नाम जैसे कि जो अधिक से अधिक युवा को अप्रीशियेट किया जैसे हमारे यहाँ अखिलेश यादव युवा को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो इनकी सरकार आनी जरूरी है बेरोजगार मुझे काम के मामले सबसे अच्छा केजरीवाल लगते हैं अब इंडिया में जो आना चाहे आ जाए बट कोशिश करे वो आते तो ज्यादा बेटर होता बट हमारे लिए तो अखिलेश भैया सही हैं यूपी के अनुसार अखिलेश जी सही हैं लेकिन केजरीवाल भी बेस्ट है अखिलेश जी सही हैं आपका भैया केजरीवाल बेस्ट केजरीवाल ठीक है चलो बहुत अच्छा लगा यूथ से इस जगह मतलब इनका आइडिया और इनका सोच जान के अब जो भी है इस ब्लॉग को भी यहाँ पे अपनी तरह थोड़ा एंड करते हैं ठीक है मतलब तो भाई मतलब बहुत अच्छा लगा यूथ का विचार जान के और भी लोगों का विचार जान के हो सकता है आप लोग का भी जो विचार है आप कॉमेंट सेक्शन में हमें नीचे बताइए तब तक के लिए अभी अलविदा लेते हैं और इस वीडियो को थोड़ा अपनी तरह एंड करते हैं बनारसी स्टाइल में तो चलो नमो पार्वती पते हर हर महादेव बस नामकरण कर रहे हैं बाबाओं का काम होता है नामकरण करना वो सब मतलब अपना पूरा काम कर रहे हैं सभी जगह का नाम हमको डर लगता है कि मेरा नाम आज तो जगह कुछ और ना कर दें मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है